हेलो किड्स, टुडे आई विल स्टार्ट यू चैप्टर 12 पॉल्यूशन। आपको पता है, आपने EVS में पढ़ा होगा पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कितनी तरह के पॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप्स की, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। ओके, आज का चैप्टर हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड है। अभी हम रीड करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड, स्पेशली द कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर और द एटमॉस्फेयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं वो? हमारे स्टेट, पॉल्यूशन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड, कैसे वो पॉल्यूटेड करते हैं, स्पेशली द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर और एटमॉस्फेयर। सॉइल मिट्टी या जमीन, वाटर पानी एंड द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है जहाँ हम रहते हैं, कैसे वो हार्मफुल होता है। अभी हमको टिक करना है, जो भी पिक्चर्स दिए हुए हैं, टिक द एक्शन दैट हेल्प टू कंट्रोल पॉल्यूशन। कैसे वो हेल्प करेगा हमको पॉल्यूशन में, जो राइट है वहाँ राइट करना है, जो रॉन्ग है वहाँ रॉन्ग करना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर, एक गर्ल देखो, क्या लगा रही है वो? प्लांट। क्या है वो? अच्छा काम है ना, इट्स अ गुड हैबिट। ओके, तो उसको हम राइट करेंगे। सेकंड में जाएंगे, सेकंड में देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, नदी में कचरा डाल रहा है, रॉन्ग है ना, हमको पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए सेकंड पिक्चर इज रॉन्ग। थर्ड पिक्चर में जाएंगे, थर्ड पिक्चर में ये जो मैन है, ये जो व्यक्ति हैं, उनका हाथ देखो कहाँ पे है, हॉर्न पे है, तो कंटिन्यू हॉर्न बजाना, इट्स अ साउंड पॉल्यूशन, तो ये भी रॉन्ग है, इसलिए इस पिक्चर पे भी हम रॉन्ग करेंगे। ओके, फोर्थ वन देखो, वो बच्चा कचरा कहाँ डाल रहा है? डस्टबिन में। हमको कचरा कहाँ डालना चाहिए, गार्बेज कहाँ डालना चाहिए? वी थ्रो द गार्बेज इन टू द डस्टबिन। डस्टबिन में हमेशा हमको कचरा पेटी में डालना चाहिए, इसलिए ये पिक्चर में राइट का साइन आएगा। फिफ्थ वन देखो, वो बच्चा क्या कर रहा है? पटाखे जला रहा है, फायर क्रैकर्स अच्छे होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन होता है, इसलिए वहाँ पे भी क्रॉस मतलब रॉन्ग है। सिक्स्थ पिक्चर में वो जो गर्ल है, वो वेजिटेबल्स ला रही है, पर वेजिटेबल्स किस में ला रही है, इस पर देखो आप, बैग है उसके पास, इसलिए ये पिक्चर सही है, राइट का। क्यों राइट है? क्योंकि हमको पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड द पॉलीथीन एंड प्लास्टिक बैग। ओके, सेवन्थ वन में देखिए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से स्मोक हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट कर रहा है, क्या है वो? एयर पॉल्यूशन है, इसलिए रॉन्ग। सेवन्थ वन इज रॉन्ग। एट्थ पिक्चर में गर्ल साइकिल चला रही है, तो साइकिल चलाना बहुत अच्छा होता है, पता है, उससे एक्सरसाइज भी होती है और साइकिल से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकल होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करते हैं, इसलिए 8th वन, साइकिल से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक तरह की एक्सरसाइज होती है, इसलिए 8th वन इज़ राइट। नाइन्थ पिक्चर देखिए, वही जो मैंने आपसे कहा, नाइन्थ पिक्चर में बस है, बस चल रही है, उसमें पीछे देखो स्मोक है, धुआं दिख रहा है,
यस, तो वो क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करता है, इसलिए 9th पिक्चर इज रॉन्ग। तो चैप्टर इज फिनिश्ड, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश्ड होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।